हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स लेसन 17 उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक, इसमें देखेंगे आप लोग उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं। उपसर्ग जो होता है वो हमेशा मूल शब्द के आगे लगता है, ठीक, और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के पीछे लगता है, मूल शब्द के पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि कहा जाए उपहार, तो उपहार बना किससे, हार से बना, जैसे दिया गया है यहाँ पे उपहार, हार बना किससे, हार मूल शब्द हुआ, बचा आगे उप, उप क्या हो जाएगा उपसर्ग। अभी अगर दे दिया जाए भारतीय, भारतीय दिया गया है तो मूल शब्द क्या होगा, भारत, इसमें जुड़ा क्या ई, बड़ी ई और या, तो भारत मूल शब्द हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा पीछे लग रहा है, क्या हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा। और इसमें दिया गया उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग वे शब्द खंड या शब्दांश है जो शब्द के आरंभ में जुड़कर नया शब्द बना देते हैं, ओके। और जो प्रत्यय होते हैं वो पीछे जुड़कर नया शब्द बना देते हैं, बस दोनों में इतना ही अंतर है, ओके। उपसर्ग और प्रत्यय में, उपसर्ग जो होता है हमेशा शब्द के आगे लगता है और जो प्रत्यय है हमेशा शब्द के पीछे ही लगता है। अगर हम मूल शब्द निकालेंगे जब, जिसे दे दिया गया उपहार, उपहार बना किससे, हार से, हार मूल शब्द निकाल लिए, देखेंगे आगे बच रहा है पीछे, आगे बच रहा है तो उपसर्ग और पीछे बचेगा प्रत्यय। उपहार में हार निकालेंगे उप बचेगा, अर्थात आगे बच रहा है, इसका मतलब उसमें उप उपसर्ग लगा हुआ है। जैसे दिया जाएगा भारतीय, तो भारतीय बना किससे, भारत से, तो भारत मूल शब्द है और ई प्रत्यय है क्योंकि पीछे लग रहा है, तो ई क्या हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा। बाकी इसमें आप सभी को दिख रहा होगा उपसर्ग है, अर्थ है और प्रयोग है, ठीक। जैसे अतिरिक्त, तो रिक्त आपका मूल शब्द हुआ, अति आगे लगा हुआ तो उपसर्ग हो जाएगा। जैसा बताया गया वैसे इन सभी में पूरा आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, उपसर्ग आपके समझ में आ जाएगा। और इसमें भी जो भी दिया गया इसको भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। कहीं कहीं पर खाली क्या होता है, संध लग जाता है, जैसे दिया गया है निर्जीव, अब यहाँ पे क्या होगा, निह प्लस जीव हो जाएगा, निह उपसर्ग हो जाएगा और जीव प्रत्यय हो जाएगा। निर्झर, तो निह प्लस झर हो जाएगा। निर्धन, तो निह प्लस धन भी हो सकता है और निर्हलंत लगा के कर सकते हैं, दोनों हो सकता है। निस्तेज, निह प्लस तेज कर सकते हैं, निस लगा के हलंत लगाएंगे तब भी हो जाएगा, ओके। इस टाइप से इन सभी को पूरा अच्छे से आप लोग पढ़ लेना और प्रैक्टिस भी कर लेना। इसके बाद देखेंगे प्रत्यय, आपको बताया गया है कि वे शब्दांश या शब्दखंड जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बना देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ऐतिहासिक, तो ऐतिहास प्लस इक हो जाएगा। भारतीय, भारत मूल शब्द है, ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, पीछे मिल रहा है तो प्रत्यय हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा। पूजनीय, पूजन प्लस ई हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा। इसमें देखो इक, ई और अनी, पूजनीय अनीस में हो जाएगा, तो अन्य प्रत्यय का संयोग है। इस प्रकार से पूरा आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। और एक होता है तद्धित प्रत्यय। इसके बाद देखेंगे प्रत्यय के भेद, दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं, ठीक। कृत प्रत्यय में क्या होता है, क्रिया की धातु से जुड़ने वाले प्रत्यय, जो क्रिया होती है वो किसी न किसी धातु से जुड़ती है, उसे कहते हैं कृत प्रत्यय, जो धातु से जुड़ी हो। और यदि संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जुड़ा है तो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। धातु क्या होते, जैसे पा धातु, क्री धातु, ये सभी क्या है, धातु है, ठीक। अर्थात जो क्रिया से जुड़ रहे, जो क्रिया से चलना, तो चल धातु से बना वो, तो चल प्लस ना प्रत्यय जुड़ा हुआ तो बना चलना, या खेलना हो तो खेल और उसमें ना प्रत्यय जुड़ा बना क्या खेलना, इसलिए क्या कहा जाता है कृत प्रत्यय। जैसे लिखावट, लिख प्लस आवट, लिख क्या है धातु है और आवट प्रत्यय जुड़ा, लिखावट हो गया। पठनीय, पठन नहीं पठ क्या हो जाएगा, पठ धातु हो जाएगा और अनी प्रत्यय जुड़ जाएगा पठनीय हो जाएगा। कथनीय, कथ धातु हो जाएगा, अनी प्रत्यय हो जाएगा, कथनीय हो जाएगा। समझ में आया कृत प्रत्यय क्या होता है। इसको तद्धित प्रत्यय आप लोग देखेंगे, जो तद्धित प्रत्यय होते हैं इसमें क्रिया के अतिरिक्त अन्य शब्द से संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से जुड़ने वाले प्रत्यय, से भारतीय। अब भारत क्या है, एक संज्ञा है और इसमें ई प्रत्यय जुड़ा हुआ। सुंदर, सुंदर क्या है संज्ञा है, ता प्रत्यय जुड़ा बन गया क्या सुंदरता।
ठीक, बाकी इसी टाइप से सभी दिए गए हैं, आप लोग देखकर अच्छे से पढ़ लेना। इसमें जो दिए गए हैं मूल धातु प्रत्यय प्रयोग, इन सभी को एक बार पढ़ना अच्छे से और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। फिर अन्य मूल्य जुले प्रत्यय हैं, इन सभी को अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। ओके, और आप लोग देखेंगे इसमें जैसे ये सब दिए गए हैं अरबी और फारसी के प्रत्यय, इनको भी आपको पढ़ना अच्छे से, पढ़कर एक बार प्रैक्टिस कर लेना। नियम वही लगेगा, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। और कृत प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं। कृत मतलब होता है जो धातु से बना हो, और तद्धित मतलब होता है जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बने हो। इसके बाद देखेंगे अभ्यास, ठीक, कैसे इसको जो क्वेश्चन है किस प्रकार से आप लिखेंगे। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दें, उपसर्ग से आप क्या समझते हो परिभाषा लिखना है। प्रत्यय किसे कहते हैं, जो परिभाषा बताया गया उसको लिखना है। कृत और तद्धित प्रत्यय में क्या अंतर है, इसको जैसे बताया जाए उस हिसाब से लिखना। इसमें आपको लिखना है जो प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं, लेकिन जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इतना इसमें लिखना है। घा देखेंगे, दो उपसर्ग वाले और कोई दो उपसर्ग वाले कोई दो शब्द लिखिए। दो उपसर्ग वाले माने अलग अलग उपसर्ग का दो एग्जाम्पल दे देना। फिर है उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर, उदाहरण देकर समझाइए। दोनों परिभाषा दिया गया है, दोनों मिलाकर अंतर बता देना। जिस प्रकार से आपको बताया कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में क्या अंतर, वैसे सेम इसको भी लिखना है। एक बताया गया, एक आप लोग अपने मन से लिखेंगे। अब यहां देखेंगे, यहां दिया है उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे उपसर्ग के विपरीत अर्थ देने वाले उपसर्ग को लिखिए और शब्द बनाइए। जैसे दिया गया है कु का सु, कु मतलब पुत्र, सु मतलब सुपुत्र, विपरीत अर्थ दे रहे हैं। वैसे बे है यहाँ पे, यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे सम, बे मतलब होता है बेइज्जत, सम मतलब क्या आपका हो जाएगा सम्मान हो जाएगा। फिर सम है यहाँ पे वध लिख लेंगे, सम का हो जाएगा सम्मान, वध का मतलब हो जाएगा बदनाम। उत का यहाँ पे नी लिख लेंगे, उत मतलब हो जाएगा उत्साहित, नी मतलब हो जाएगा निरुत्साहित। ओके, इस प्रकार से आप इसे पूरा करेंगे। इसके बाद नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द बनाइए, जिसे अनु अनुकरण हो सकता है, अनुमान हो सकता है। इसी प्रकार से सभी का दो दो बनाकर आपको लिखना, जैसे बताया गया बुक में दिया भी गया है, अच्छे से प्रैक्टिस करके इसको लिखेंगे आप लोग। फिर नीचे लिखे प्रत्ययों की सहायता से दो दो शब्द बनाए, इसको भी आप लोग बनाएंगे जैसा बताया गया है। इसके बाद नंबर 5 देखेंगे, इसमें है नीचे लिखे शब्दों से उन नीचे लिखे शब्दों से उनमें लगे उपसर्ग अलग अलग लिखिए। जैसे निर्धन, ये क्या हो जाएगा निह प्लस धन, ना पे छोटी मात्रा और विसर्ग लगाएंगे और प्लस धन लिख देंगे तो हो जाएगा निर्धन। तो इसमें क्या हो जाएगा निह उपसर्ग हो जाएगा और धन जो होगा मूल शब्द हो जाएगा। उपकार उप उपसर्ग हो जाएगा, कार मूल शब्द हो जाएगा। अपकार अप उपसर्ग होगा, कार मूल शब्द होगा। प्रमाण प्रा उपसर्ग हो जाएगा, माण मूल शब्द हो जाएगा। अवगुण अव उपसर्ग हो जाएगा, गुण मूल शब्द होगा। परिजन तो परि उपसर्ग हो जाएगा, जन मूल शब्द हो जाएगा। आ जन्म आ उपसर्ग हो जाएगा, जन्म मूल शब्द हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको लिखना है। इसके बाद नंबर 6 आप लोग देखेंगे, जैसे बल पूर्वक तो दो भाग में आपको डिवाइड कर देना, यहां लिखेंगे बल यहां लिखेंगे पूर्वक। दैनिक में दैन प्लस एक लिख देंगे। सफाई सफा यहाँ पे आई लिख देंगे। दर्शनी दर्शन यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे ई लिख देंगे, बड़ी ई और या। सजावट सजा यहाँ लिखेंगे, सजा और यहाँ पे लिख देंगे आवट। खिलाड़ी यहाँ खिल लिखेंगे, यहाँ पे आड़ी लिख देंगे। घबराहट यहाँ घबरा लिखेंगे, यहाँ पर आहट लिखेंगे। भुलक्कड़ यहाँ भूल लिखेंगे और यहाँ पर अक्कड़ लिखेंगे। जैसा बताया गया इस प्रकार से आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बुक को फिलअप करेंगे और कॉपी पर भी अच्छे से लिख लेंगे।